अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तालीम तालुम यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। सिलसिला नंबर 100, सवाल नंबर 1। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में पहुँचे तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? ए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया। बी, आपने दो रकात नफल अदा की। सी, अल्लाह ताला की हम्द व सना की। डी, अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में पहुंचने के बाद सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 2। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में पहुंचे तो अल्लाह ताला ने कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ फरमाईं? ए, 40 नमाज़ें। बी, 50 नमाज़ें। सी, 60 नमाज़ें। डी, 30 नमाज़ें। जब आप अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो बहुत सी राज़ो नियाज की बातें हुईं और उसी में 50 वक्त की नमाज़ें भी फ़र्ज़ की गईं। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 3। किस नबी की दरख्वास्त पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से नमाज़ों में तख़फ़ीफ़ की दरख्वास्त की? ए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बी, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। सी, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। डी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जब आप 50 नमाज़ों का हुक्म लेकर वापस तशरीफ़ ला रहे थे तो उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा कि आपकी उम्मत ये नहीं कर सकेगी, आप इसमें कमी करवाइए। तो आप वापस तशरीफ़ ले गए और उसमें कमी की। बहुत बहुत शुक्रिया।